है ना, इज्जत है कि नहीं वो बोलो। आज का व्लॉग मैं देखो कहाँ से शूट कर रहा हूँ, ये अपना पर्सनल बूट कैंप है जो तितर बितर होके रखा। ये देखो इसको कहते हैं स्वच्छता 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 स्वच्छता। ये देखो वाह 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 वाह, ये मेरा प्यारा बूट कैंप। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं आज के व्लॉग की। फाइनली हम किसी अवार्ड फंक्शन के लिए नॉमिनेट हुए है विदाउट लाचर की इंजेक्शन, ये इम्पोर्टेंट है। और अब हम जा रहे हैं, अवार्ड मिले ना मिले लेकिन समाज में इज्जत तो मिल गई है, अच्छा लग रहा है जरा बहुत। वो अभी चेतन को साथ में लेके जा रहा हूँ और चेतन हो रहा है रेडी, ये लोग स्ट्रीम करेंगे और देखते हैं कैसा रहता है सफर मेरी कॉबे। ये देखो बर्थडे गर्ल आ गई, हैप्पी बर्थडे गर्ल। हाय वैभव, वैभव तुझी बहुत तुला मानला वैभव, मस्त इज्जत है कुठे वैभव। हाय वैभव, अरे हो ना रे अब वैभव। हाय वैभव, जो कपड़े मेरे लिए लिए गए है ना वो पैंट जो है वो बहुत लंबी हो रही है, तो अभी हम एक मॉल में आए वहाँ पे देखते हैं कि वो पैंट कटिंग करने वाला कोई बंदा मिलता है और खाना भी खाना है। गेम जोन में आ गए भाई, ये गेम जोन कैसे आ गए यहाँ पे, गलत आ गए। अभी हम अपने लोकेशन पे आ गए हैं और जैसे कि वहाँ पे वो दिख रहा है ना बैंक्वेट, जेड बैंक्वेट करके वहाँ पे ही अवार्ड शो है, कुछ 6 बजे चालू होने वाला है और हम बहुत जल्दी आ गए, मतलब 5 बजे आ गए ऑन टाइम बेबी के दिल में। और ये मेरा प्रॉपर आज का आउटफिट ऑफ द डे है, ओ टी ओ ओ एफ टी ऐसा कुछ बोलते हैं उसको इंस्टाग्राम रीलर्स। चलो अभी वहाँ पे वेलकम वेलकम है, कुछ टाइम पास करते हैं उसके बाद जाते हैं। I wake up, flex, I'm down now, check, no drip, this, what? Tell him run it up, no sleep, no rest. I wake up, flex, I'm down now, check, no drip, this, what? Tell him run it up, no sleep, no rest. और ये बाकी भी लोग हैं हमारे साथ में। गाना सुन के कैसा लग रहा है? सम्मोहित हो रहा हूँ, सम्मोहित। और जल्दी आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी सुसु आ रही है। हाँ तो है, मैं चल बगा काही असू दे पण टाइम टू टाइम सुसुला जाणं ही गरज आहे का? मला असं वाटतं तिथे असेल का त्याची। और सिमन भाई 8:30 बजे तक आपण को यहाँ रुकना है, आप बोर नहीं हो चुके हो ना? बट मुझे लग रहा है आप ही जल्दी आ गए। तो कैमरा बंद करना चाहिए। अभी बहुत से क्रिएटर्स आ रहे हैं और वहाँ पे गाना चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोकम शरबत बहुत बढ़ रहा है। चेतन भाई कोकम शरबत के बारे में क्या कहना चाहते हो? कोकम चाहिए? कोकम ये मैं ये बोल रहा हूँ। चेतन भाई कोकम शरबत पीना चाहिए तो पिए, और हमारा शायद दूसरा नंबर, ये भी इन्फॉर्मेशन चेतन जी ने ही निकाली कि मेरा दूसरा नंबर है अवार्ड फंक्शन में। इतना सुपर क्राउडेड हो गया कि दे हैव टू क्लोज द इवेंट, दैट इज द काइंड ऑफ फॉलोइंग दैट ही हैज। श्रीमान लेजेंड डीजे बजाओ। कैसे भाई, कैसे हो आप? मैंने सुना है कि आप एक जगह गए थे पुणे में, आदित्य जी आप सुनना, एक मिनट के अंदर लोगों को पता चला कि ये वहां पे आ गए, इवेंट को बंद करना पड़ा कि इतने लोग वहां पे आ गए, उस मोमेंट के बारे में बताइए सर, क्योंकि जहां मैं जानता हूं आधे लोग भी नहीं आते सर। मैं गया था लेकिन मुझे पता नहीं था, मैंने बोला था ऑलरेडी कि 600, मतलब जिस ब्रांड ने ऑर्गेनाइज किया था मुझे लगा था 600-700 आ जाएंगे मैक्स टू मैक्स। डर गया था मैं बहुत, फिर भी डरा हुआ उस चीज से। भाई गेमिंग करके कितना मजा आ रहा है दिल से, माने लोग कहते हैं कि आप गेमिंग में सबको गुस्सा चाहिए क्योंकि वो वाकई में प्रेजेंट और फ्यूचर है कंटेंट क्रिएशन में। नहीं गेमिंग मेरे फील्ड में जब मैं गेमिंग करता था तो सब लोग ताने मारते थे, गेमिंग क्या है, करियर पे ध्यान दे पढ़ाई वगैरह कर, तब मैं गेमिंग करता था। अभी सब लोग प्राउड फील कर रहे हैं तो अच्छा लगता है कि कुछ अचीव किया है, और जब से पुणे मीटअप हुआ है तब से जरा ज्यादा ही
लोकली लोग जानने लगे कि अरे इसके लिए इतनी भीड़ क्यों हुई थी, लोगों को पता ही नहीं है कि मैं क्या क्रिएट करता हूँ आसपास। तो अभी जरा इज्जत मिल रही समाज में। थैंक यू सो मच ब्रदर। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेल डन। याद रखिए यही कहानी है हमारे कंटेंट क्रिएटर्स की। कभी कभार लोग ताने मारते कि भाई ये करते क्या है, बाद में आप लोगों ने दिखाया। ये देखो आवली कवली पौली आणि प्राजक्ता कवली पण आली। कसं वाटतं चेतन सर प्राजक्ता कवलीला पाहून? मस्त वाटत। आवली लवली कवली, मला विश्वास नव्हता की मी तिला पाहतोय। बरं वाटत ना आता काय सर? अच्छा ये देखो रोड के बाजू में क्या सजावट करके रखी है। आए हाय तबाही भैया तबाही। सुना है यहाँ पे बिग बॉस की शूटिंग भी हुआ करती थी। ये कंदील का उपयोग कितना होता है ना, रात के टाइम पे चेहरा भी एकदम अच्छा दिख रहा है, प्रॉपर चेहरा ही दिख रहा होगा ना आपको। तो अभी मैं जा रहा हूँ, आई गो कालो खा रहा है, एक मिनट अभी मैं जा रहा हूँ ये अवार्ड दिखाने को, और अपने इन बंदों को मैंने ड्रॉप कर दिया है। थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा है ना, तो सोचा घर पे भी अवार्ड दिखा देते, तो अभी घर पे अवार्ड दिखा दूंगा, उसके बाद मस्तवे की तेल मालिश लेके सो जाऊंगा ना मेरी यार। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। कुछ मन की बातें हैं जो इस वीडियो में शेयर करनी है, अगर इस वीडियो में नहीं आएगी तो लाइव स्ट्रीम पे बोल दूंगा, ठीक है? कैसे सुंदर भाई ने मी तो अशीच दाखवतो रे, झोपलेली उठले रात्रीचे 12:30 वाजले, आता काय अपेक्षा, ऍडजस्ट करा रे बाबांनो, इज्जत आहे का नाही? नेक्स्ट अवार्ड में मम्मी को लेके जाएंगे। बेचारे मम्मी को उठाया मैंने कैसे तैसे करके, कैसे तैसे मतलब मम्मी जगी थी वो उठ गई। अभी मैं आराम करता हूँ, आप भी आराम करो, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।